Come guys, boys. Folks. बहुत कमाल की फिल्म और एनएफडीसी बना रहे हैं नेशनल, तो पीए और मनीष तिवारी डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं। पीए इशक किए थे और उसके बाद ये कर रहे हैं, तो इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा रोल दिया। सो ऑन द होल बहुत मज़ा आया और एक अच्छी फिल्म लेके हम लोग ये कर रहे हैं, सो इट्स वेरी गुड। मैं इसमें एक रणवीर सेना का एक कमांडो लीडर हूँ और थोड़ा माफिया है, तो या ये क्लाइमैक्स चल रहा है। बहुत अच्छा है, बिकॉज इसमें कही कि बिहारी लड़का मराठी इलाके में जाता है, वहाँ रहता है, तो कैसे उसको, तो एक ऑन द होल बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें हमारी बहन बनी, पहले ईशक में गर्लफ्रेंड थी, फिर श्याम बनेगल जी के फिल्म में भी मेरी गर्लफ्रेंड थी, वेलकम टू सज्जनपुर। बहुत हमारा इक्वेशन बहुत अच्छा है। वो 11 फिल्में भी फ्लोर पे, हाँ, सो उसमें हिंदी भी है, तेलुगु, कन्नड़ा है, भोजपुरी है, गुजराती है। थैंक यू। राइट, मैं इशक के बाद एक सटायर बनाना चाह रहा था, मोहब्बत मियाँ, तो वो मेरी नेक्स्ट फिल्म है। ये फिल्म मैं इससे भी पहले बनाना चाह रहा था, चिड़ियाखाना, और इसका जब मौका मिला तो आई जंप्ड ऑन इट। ये एक यंग टीन फिल्म है, यहाँ 15-16 साल के लड़के हैं, एंड इट्स अ कमिंग ऑफ एज फिल्म। एक बिहार का लड़का है जो मुंबई के एक चौल में आता है और एक मुश्किलात में फंस जाता है, जहाँ पे स्कूल में बुली हो रहा है और उसकी माँ को तकलीफ़ें होती हैं, और वहाँ पे एक उसका पैशन है फुटबॉल खेलने का, और थ्रू दैट गेम हाउ ही फाइंड्स ए प्लेस इज द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म। नहीं, ये क्लाइमेक्स शूट हो रही है और ये हम लास्ट शेड्यूल में एंटर कर रहे हैं, अनदर 10-12 डेज ऑफ शूट लेफ्ट। अर्ली आई थिंक जैन फेब में फिल्म तैयार हो जाएगी, एंड देन माशाल्लाह जब हम रिलीज कर पाएँ। राइट, हाँ, ये क्लाइमेक्स है जिसमें बीएमसी, जो कि बहुत ही वेल अंडर इक्विप्ड टीम है, वो एक बहुत ही मुश्किल हालातों में एक स्ट्रॉन्ग टीम को डिफीट करती है, तो उसकी कहानी अपने क्लाइमेक्स पे पहुँचता है। थैंक सो मच। दोगे आप? बच्चों की फिल्म तो मुझे लगता है एक बहाना है, लेकिन इसमें जो मुद्दे जो उठ रहे हैं वो बहुत सारा बम्बई में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं उस चीज़ को लेके है, जातिवाद, स्पेस की कमी, बच्चों का सही प्रैक्टिस के लिए मोटिवेशन, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो मनीष ने स्क्रिप्ट में इस तरह से इसको अच्छी तरह बुनाया है कि आपको कहीं ऐसा नहीं लगने वाला कि कोई प्रीची काम है, कोई हम लोग कुछ प्रवचन दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्क्रिप्ट है जिसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो इसको सिर्फ एक बच्चों की फिल्म से ऊपर उठा के बहुत ही एंटरटेनिंग व्यू के लिए काबिल करता है। इसमें मैं एक रोल कर रहा हूँ प्रताप का, जो अभी एक पॉलिटिशियन बन चुका है, लेकिन पहले वो इसी स्कूल का फुटबॉल का कैप्टन रह चुका है और बहुत सालों से नहीं खेला, लेकिन वो एक बच्चे के जज्बे को देख के उसको लगता है कि उसको उन सब के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो किस तरह से टाइम निकाल के इस स्कूल के बच्चों के लिए कुछ करता है इस तरह से कि वो लोग ज़्यादा अच्छा खेलने लग जाते हैं और एक बेहतर इंसान बनते हैं। जी, ग्रे शेड्स का तो पुरानी आदत है, तो ग्रे शेड्स नहीं होता तो मुझे बुलाते नहीं लोग, सो वो एक ऐसा रोल है जो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा रोल है, जो आपको बोरिंग नहीं लगेगा कहीं पे भी, क्योंकि वो
बहुत सारी चीज़ों में डैबल करता है और बहुत ही एंटरटेनिंग किस्म का रोल है ये। एक तरह से एक हल्का फुल्का गुंडा भी है ये, थोड़ा हीरो भी है ये, और फुटबॉल भी खेलता है, यू नो फुटबॉल सिखाता भी है। तो मुझे फुटबॉल में काफ़ी सारा ट्रेनिंग करना पड़ा। मैं खुद शूटिंग से पहले काफ़ी दिन मैंने अपने कोच के साथ, आकाश के साथ टाइम बिताया मैंने बहुत सारा, ताकि नहीं मैं मैं दिल्ली स्टेट के लिए मैं बैडमिंटन खेलता था। तो स्पोर्ट्स का वैसे भी एक ग्रेस है, लेकिन जैसे बैडमिंटन अलग गेम है, फुटबॉल भी अलग गेम है, तो उसके लिए भी अलग अलग टेक्निक्स यूज़ होते हैं। तो थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज़ मुझे सीखने के लिए मुझे थोड़ा कोचिंग की ज़रूरत पड़ गई थी। मेरी कुछ फिल्में हैं जो रिलीज़ पे हैं, एक फिल्म है तारिक खान की देसी बम, फिर एक फिल्म है मनीष गुप्ता की मैं अन्ना नहीं हूँ, देन देर इज़ अनदर फिल्म जो मेरी अभी फ्राइडे को मेरी एक मलयालम फिल्म रिलीज़ हुई थी पत्ते कल्पनागल, वो भी अच्छे मैं अन्ना नहीं हूँ उसका, हाँ वो उसको उसका टाइटल वर्तमान भी है, तो अभी फिक्स नहीं किया उन लोगों ने कि कौन सा एग्जैक्टली टाइटल है। और एक दो और फिल्में हैं, एक अभिनीत गोगने की फिल्म है लव करके, सो वो भी रिलीज़ पे है। तीन चार फिल्में हैं रिलीज़ पे, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कौन सी अभी रिलीज़ होगी पहले। और बाकी मेरी एक तमिल फिल्म भी अभी रिलीज़ होने वाली है अगले महीने, तो थोड़ा लाइंड अप हूँ मैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों को लेकर। नहीं मर्डर से पहले बहुत काम कर चुका हूँ मैं यार, यू नो वो हाँ एग्जैक्टली वो मैं मुझे लगता नहीं कि मेरे में कोई ख़ास बदलाव आया, मैं जैसे पहले काम करता था वैसे भी अभी भी काम कर रहा हूँ, यू नो अभी एक दो और मर्डर आ जाएंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, यू नो तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ, यू नो मुझे बहुत सारी चीज़ों से मतलब नहीं होता है। तो क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मेरा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है किसी चीज़ में, तो कोई भी आदमी एक्टर के तौर पे कोई कुछ खास कर नहीं सकता है, चाहे आप जो मर्ज़ी सेटअप लगा लो, चाहे जो मर्ज़ी पैसे आप करवा दो, लेकिन एक पर्सनल इंटरेस्ट जब तक नहीं रहता मैं किसी चीज़ के लिए हाँ नहीं करता मैं।